सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने कई प्रमुख व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें से एक सावन का पुत्रता एकादशी भी है। हिंदू पंचांग के मुताबिक यह पर्व प्रत्येक वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करते हैं। कहा जाता है इस व्रत को करने से पुण्य प्रताप तथा विवाहित महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कब है पुत्रता एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। अयोध्या के ज्योतिष के मुताबिक हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 अगस्त को है। इस तिथि की शुरुआत 15 अगस्त सुबह 10:26 से शुरू होकर 16 अगस्त को सुबह 9:15 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के मुताबिक एकादशी तिथि का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा।